ओम अज्ञातिमिदस्य ज्ञानांजनशलाकाय चक्षुरु मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदामयं तदापि स्वपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरु श्रीयुता पदकमलं श्री गुरु वैष्णवांश्च श्री रूपं सागरजातं सहगना रघुनाथामितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादं सहगना ललिता श्री विशाखामितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुवशा कृपा सिंधु बहेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Please accept my humble obeisances to all Prabhuji's and Mataji's. Dandavat Pranam, Hari Bol, Hare Krishna. Sorry, Prabhuji, my schedule is becoming a little bit more disturbed because too much engagement. Ek ke baad, we normal hone laga hai life, so too much pressure aa raha hai. So please forgive me, I'm not able to give too much justice to this program now. Today also I have to leave at 8:30 because there is some very important commitment for my office. Kal sham ko bhi Radhanath Maharaj is giving Narsingh Chaturdashi class at Radha Gopinath Temple. So kal sham ko main Sunday evening class jo hai wo nahi de paunga. I would like to hear Radhanath Swami. Kal subah mein I am there. Fortunately kal subah mein Radhanath Maharaj is not giving class. So kal Narsingh Chaturdashi hai, mera humble request hai. Hum saath mein baith karke kal 64 rounds kare. Sunday bhi hai. And let us pray to Narsingh Dev Prabhuji. My request is, Prabhuji, kal jo hai, hum saath mein baith karke 64 rounds kar lele. Usse bada cheez kya hai, Prabhuji? Best way is to pray to the Lord Narsingh Dev to get that hardcore faith the way Prahlad Maharaj ke paas tha. So tomorrow we can chant 64 rounds. Evening I won't be able to give. Plus next week is the only week Radhanath Maharaj is there in Radha Gopinath Temple. So mujhe malum nahi abhi kya schedule Maharaj ka hai. Kyunki Maharaj phir chale jate hai wapas. So I would like to attend all the classes of Radhanath Maharaj. So ye thoda schedule disturb ho raha hai. Uske baad ke week mein I am going to Mayapur. It was already planned. So ye thoda schedule sab disturb ho raha hai. Please forgive me for that. Today I am going to discuss something very important and very practical, Prabhu. But I request that please take it seriously. Achak mein jada jayega, toh let us understand it very seriously. एनी पर्सन हुज कम, कोई भी व्यक्ति जो है हरे कृष्ण आंदोलन में आता है तो आंदोलन में आने के बाद में उसके लाइफ के अंदर एक कन्विक्शन आना ही चाहिए. इफ दैट कन्विक्शन ही डजंट गेट इट, दैट मीन्स यस ही इज हैविंग समथिंग प्रॉब्लम. और वो कन्विक्शन ये हो जाना चाहिए उसके लाइफ के अंदर कि मटेरियल वर्ल्ड जो है ना प्रभु, दिस इज टेम्पररी एंड मिजरेबल. ये कन्विक्शन आना ही चाहिए प्रभु, वरना यहां से अटैचमेंट आपका जाएगा नहीं. अभी आप देखना प्रभु जी कि हम जितना कोई भी चीज के अंदर अटैच्ड हो गए ना, हम सबसे मैक्सिमम सफर होने वाले. क्यों होता है? बहुत क्लियर है ये दुनिया का नियम, इतना स्ट्रांग भगवान ने बनाया है, लेकिन हमारा अटैचमेंट होने की वजह से हम समझ नहीं पाते. कुछ भी चीज ये भौतिक दुनिया में आप उससे अटैच्ड होते हो तो अटैच होने के बाद में दो में से एक चीज पक्का ही होने वाला है. देयर इज नो वे इट कैन गो आउट. दो में से एक चीज पक्का होगा. वो दो में से एक चीज क्या होगा? या तो वो चीज चली जाएगी क्योंकि टेम्पररी है, और या तो आप वो चीज से चले जाओगे क्योंकि आप भी टेम्पररी हो. ये दो में से एक चीज पक्का होगा. ये घड़ी मेरे सामने है,
अब ये घड़ी को मैं अटैच हो जाऊंगा ना, या तो ये घड़ी टूट जाएगी तो मुझे दगा देगी, और ये बहुत अच्छी क्वालिटी की घड़ी है और टूटने ही वाली नहीं, और बहुत ड्यूरेबल है और बहुत बेस्ट क्वालिटी का है, बेस्ट मॉडल है, जो भी है। तो एक दिन मैं चले जाने वाला हूँ ना, जब मैं चले जाऊंगा तब उसको छोड़ करके जाना पड़ेगा मुझे। तो जब ये उसको छोड़ करके जाने में मुझे भयंकर तकलीफ हो गया, क्योंकि मैं उसके साथ में अटैच्ड हो गया हूँ। तो प्रभु, एक मैच्योर और एक सिंसियर डिवोटी होता है ना, उसके लाइफ के अंदर अब उसको ये भौतिक दुनिया की रियालिटी समझ में आ जानी चाहिए। ये जगह पे जो है ना अटैचमेंट करोगे तो हम ही दुखी होने वाले। हाँ, उसका ये मतलब नहीं है कि हम प्रभु अटैच नहीं हुए तो हम जो सब माया माया कर करके भाग जा रहे, अगर वो करेंगे दैट इज ऑल्सो नॉन सेंस। वाई इट इज नॉन सेंस? क्योंकि हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी खड़ी किया है, और कृष्णा को चाहिए कि हम हमारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर फॉलो करें। लेकिन अगर अटैचमेंट रहोगे तो आपकी लाइफ मिजरेबली होने वाली। एक सिंसियर डिवोटी के लाइफ के अंदर ये क्लैरिटी आ जानी चाहिए कि कुछ भी चीज के अंदर अटैचमेंट आएगा तो आपकी गड़बड़ होगी। इसलिए एक मैच्योर डिवोटी होता है ना, ये दुनिया के अंदर बहुत सीरियसली लेता नहीं है प्रभु। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर कर लेता है, लेकिन हृदय के अंदर बड़ा सीरियसली कुछ भी नहीं लेता है, एक्सेप्ट कृष्णा कॉन्शियसनेस। इसलिए जब एक मैच्योर डिवोटी होता है ना, उसके लाइफ के अंदर बहुत अच्छी चीज भी होती है ना, तो हवा में उड़ने नहीं लगता है प्रभु। वो जो है प्रभु जी, हाँ खुश होता है, डेफिनेटली उसकी लाइफ के अंदर कोई अच्छी चीज हुई है, लेकिन प्रभु वो अपनी मेंटल स्टेबिलिटी डिस्टर्ब नहीं करता है। वो हमेशा पक्का रहता है कि भले आज अच्छी चीज हुई है, लेकिन वो अच्छी चीज जो है आगे चल करके नहीं होगी तो भी मेरी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। उल्टा अगर जो है उसकी लाइफ के अंदर कुछ खोटा चीज हो गया, कि खराब चीज हो गया, तो वो जो है उसके अंदर इतना तकलीफ में और इतना डिस्टर्ब नहीं हो जाता है कि उसकी उसकी वजह से उसकी स्पिरिचुअल लाइफ, उसकी नॉर्मल लाइफ सब डिस्टर्ब हो जाए। उसको पक्का पता होना चाहिए ये भौतिक दुनिया ऐसी है, जो अच्छी चीज आज है वो कल बुरी हो जाएगी, और कल जो आज जो बुरी चीज थी वो कल अच्छी भी हो सकती है। यू हैव टू बी हैविंग दैट मेंटल स्टेबिलिटी। अगर ये मेंटल स्टेबिलिटी आपके लाइफ में नहीं है ना, तो आप जो है ना जैसा एक दरिया का वेव आता है ना, उसी तरह से आप भी घूमते रहोगे, आओगे जाओगे और फटके खाते रहोगे प्रभु, और वो फटके खाते खाते जो है प्रभु आपकी लाइफ मिजरेबल ही रहती रहेगी। एक कृष्णा कॉन्शियसनेस का एक कंसेप्शन बहुत क्लियर आ जाना चाहिए, ये टेम्पररी जगह है, ये मिजरेबल जगह है, इधर हृदय देने जैसा नहीं है। अगर हृदय दूंगा तो मैं ज्यादा दुखी होने वाला हूं, मैं इधर नीडफुल करूंगा, लेकिन हृदय कृष्णा को ही देकर के इधर से निकलने की कोशिश करूंगा। ये कंसेप्शन बहुत इवन डिवोटीज की लाइफ के अंदर भी इतना जल्दी नहीं आता है प्रभु, हम कैरिड अवे हो जाते हैं प्रभु। मैंने देखा है प्रभु जी, कभी कभी हमको जो है ना प्रभु कोई बड़ा सक्सेस मिल जाता है अपनी लाइफ के अंदर, बहुत अच्छा सक्सेस हमारी लाइफ में मिल जाता है, वी फील इट, ओह बाप रे मुझे बहुत अच्छा कोई प्रमोशन मिल गया, चलो मुझे बहुत अच्छा प्रमोशन मिल गया, या तो मैं कोई एकेडमिक लाइफ के अंदर में बहुत आउटस्टैंडिंग मेरे को फिगर मिल गया, या तो मेरे लाइफ के अंदर कुछ ऐसी चीज मिल गई कि जो मेरे लाइफ के अंदर कभी भी ध्यान भी नहीं रखा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, तो हवा में उड़ने लगते हैं प्रभु जी। उसको ऐसा लगता है बस दुनिया मेरे हाथ में आ गई है, आई एम द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, और अभी मुझे तो मैं एकदम खुशी आनंदित, मेरे लाइफ के अंदर हमेशा ब्लिसफुल ही रहने वाला है, ये कंसेप्शन उसके अपने में आने लगता है, और वो हवा में उड़ने लगता है, टू बी वेरी फ्रैंक। लेकिन एक मैच्योर डिवोटी रहेगा ना, एक सोबर डिवोटी होगा ना, एक मेंटल स्टेबिलिटी वाला डिवोटी होगा ना, वो उसमें जो है हड़बड़ा नहीं जाता है या खींचे नहीं जाता है प्रभु जी। उसको मालूम है देयर आर सो मेनी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, एक भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन खोटा हो जाएगा ना, तो भले सब चीज अच्छी होने के बावजूद भी आप लाइफ में मिजरेबल होंगे। कितनी चीज है, अगर आपको चलो ना फॉर एग्जांपल आपको जो है बहुत बड़ा प्रमोशन मिल गया आपके जॉब के अंदर, या आपको बहुत बड़ा सक्सेस मिल गया, या तो आपको कोई जैकपॉट लग गया। हमारा स्टॉक एक्सचेंज में बहुत ऐसा होता है कि कभी कभी स्टॉक एक्सचेंज में जो है ना कोई कंपनी का शेयर इतने बढ़ जाते हैं कि यू कैन नॉट इवन एक्सपेक्ट इट। I don't want to disturb you because it is material things na. So I can tell you, Prabhu, there is one company called as Infosys करके company है. वो Infosys company is a software company. अभी आज से वो 25 साल पहले ये company आई थी, और तभी company ने मेरा ख्याल से 10 रुपये का share जो है ना प्रभु कुछ 90 रुपये में कैसा कुछ दिया था, I don't remember the figures now. तो जिन्होंने 9,000 रुपया डाला था
वो 9,000 रुपये का आज के दिन तकरीबन 1 करोड़ रुपया हुआ है। यू विल बी शॉक्ड, तो जैकपॉट मिल गया है भाई, तो जैकपॉट है। इससे बड़ा चीज क्या, इतना बोनस आया, ये आया वो आया। अभी ऐसा होता है तो वो व्यक्ति हवा में उड़ने लगता है। उसी हिसाब से दर इज कंपनी कॉल्ड रिलायंस इंडस्ट्री, उसमें भी इतना बम्पर प्रॉफिट दिया है। ऐसे करके कंपनी है कॉलगेट करके, अभी वो खराब है लेकिन उसने भी जो है वो बोनस पे बोनस देता ही जाता था, इतना वो लोग को पैसा इतना बढ़ा दिया था। उल्टा भी होता है, आई गिव यू वन कंपनी कॉलेज है, कंपनी कॉलेज से कल यूनिटेक करके एक यूनिटेक कंपनी थी प्रभु जी, वो यूनिटेक कंपनी जिस एक 10 रुपये का शेयर 25 रुपये में मिला था, वो 25 रुपये में मिलने के बाद में प्रभु वो शेयर जिसके पास 100 शेयर था ना प्रभु, वो 100 शेयर का जो है प्रभु उन लोगों ने क्या किया कि सबको स्प्लिट अप किया और उसको 2 रुपये का शेयर किया, तो सबके पास 100 शेयर का 500 शेयर हुआ। फिर बाद में 1 शेयर के ऊपर 12 शेयर बोनस दिया, तो 500 शेयर के सामने प्रभु जी 6,000 शेयर दूसरा मिला। 6,000 यानी आपके पास 6,500 शेयर गया, 500 ओरिजिनल था, 6,000 दूसरा, 6,500 शेयर हो गया। और 6,500 शेयर हो जाने के बाद में प्रभु जी वो शेयर की कीमत जो है ना एक भाव ऐसा आ गया था तकरीबन 500 रुपये का भाव हो गया, यानी 6,500 मल्टीप्लाई बाई 500 तकरीबन 35 लाख रुपीज के आसपास हुआ। 2,500 रुपये 2,500 शेयर का 32.5 लाख रुपया हो गया। प्रभु आप हवा में उड़ने लगते हो, आपको लगता है बाप रे क्या है, और फिर वापिस उसके ऊपर 1:1 बोनस दिया, यानी 6,500 के साथ में दूसरे 6,500 शेयर दिया, 13,000 शेयर हो गया। कैन यू इमेजिन प्रभु जी, 100 शेयर के सामने 13,000 शेयर अरे वो 13,000 शेयर के सामने प्रभु जी आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे उस समय को 300-400 रुपये का भाव होगा, तो कैन यू इमेजिन प्रभु जी 50-55 लाख रुपया होता है खाली 2,500 रुपये के सामने। यू आप हवा में उड़ने लगते हो प्रभु जी, आपको लगता है बस दुनिया मेरे हाथ में आ गई है, अभी आई एम द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन, मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन। अभी एक मैच्योर डिवोटी होता है ना, उसके अंदर समझ में आता है रुपया मिला है लेकिन फैमिली रिलेशनशिप के अंदर रुपया कोई सॉल्यूशन है? मेरे वाइफ के साथ में मेरा जम नहीं रहा है, मेरा ईगो क्लैशेस आता है, वो पैसा सॉल्यूशन है क्या? मेरा फैमिली मेरे बच्चों के साथ में मेरा जनरेशन गैप जबरदस्त हो गया है, वो पैसा मेरे को उसको सॉल्यूशन देने वाला है? मेरे रिलेटिव्स, मेरे बिजनेस एसोसिएट्स, उसके साथ में हमारा ईगो क्लैशेस बहुत आता है, उसके अंदर कोई सॉल्यूशन है क्या? ये पैसे के सामने कोई सॉल्यूशन है क्या? ये पैसा ये सब चीज के लिए कोई सॉल्यूशन नहीं है प्रभु। ये चीज अच्छा, आपकी हेल्थ, आपके पास बहुत करोड़ों रुपया हो गया, आपको एक राधानाथ महाराज का बहुत सुंदर क्लास है, उन्होंने बोला यू माइट बी द रिचेस्ट पर्सन, और आपको बोला गया कि आपको कैंसर हो गया है और आप 3 महीने में मरने वाले, वो रुपया तुमको खुश करेगा? आपको लगेगा ये क्या पागलपन है, ये तो मेरे को छोड़ के जाना पड़ने वाला है, व्हाट इज दिस नॉनसेंस, ये क्या मैं पागलपन कर रहा हूं? एक मैच्योर डिवोटी होता है ना, ये सब चीज का कैलकुलेशन करके सोबर रहता है प्रभु, ही रिमेंस वेरी सोबर, और उसका मेंटल इक्विलिब्रियम हमेशा मेंटेन करता है वो। दिस इज द मैच्योरिटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये सब चीज के अंदर वो हड़बड़ा नहीं जाता है प्रभु जी, वो खींचे नहीं जाता है, ही कीप्स हिज सोबरनेस, वो बराबर सोबरनेस रखता है, और वो मटेरियल डिविएशन या मटेरियल ऊपर नीचे जो होता है ना उसके अंदर खींचे नहीं जाते हैं, और वो हमेशा उसका मेंटल इक्विलिब्रियम हमेशा रखता है, क्योंकि उसको पक्का पता है कि ये सब चीज के अंदर मुझे कैरिड अवे नहीं होना है। उल्टा भी होता है प्रभु, कोई व्यक्ति के लाइफ के अंदर इतना प्रॉब्लम आ गया होता है, इतने प्रॉब्लम आ जाने की वजह से वो बड़ा डिप्रेशन में चला जाता है, वो डिप्रेशन में चला जाता है और खोटी आदत में लग जाता है प्रभु जी, खोटी आदत ड्रिंक्स लेने लगता है, दूसरी खोटी कंपनी में चला जाता है और सब खोटा खोटा करने लगता है। क्यों? क्योंकि हु कुड नॉट एब्जॉर्ब द शॉक इन हिज लाइफ। एक आई कैन टेल यू प्रभु, अगर आपके पास कृष्णा कॉन्शियसनेस का शेल्टर है, आपके पास अच्छा एसोसिएशन है प्रभु जी, आप वो शॉक के अंदर भी आप उसके लिए एब्जॉर्ब कर लोगे, क्योंकि आपकी मेंटल स्टेबिलिटी बराबर है, आपका मेंटल इक्विलिब्रियम बहुत बराबर है। क्यों? क्योंकि आपको एक शेल्टर मिल गया है हरि नाम का, आपको शेल्टर मिला है भक्तों का संघ का, आपको शेल्टर मिला है स्क्रिप्चर का, आपको लगता है ये मेरे साथ में ये लोग है ना, मैं आई कैन सर्वाइव, ये पॉसिबल रहेगा प्रभु, वरना प्रभु जी इट विल बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। आई गिव यू सम एग्जांपल्स प्रभु, रामचंद्र, अगर लॉर्ड राम, अभी हमारा रामायण अभी रामनवमी गया, प्रभु आप थोड़ा विचार करिए, लॉर्ड राम को एक दिन पहले उनको बोला गया कि आपको राजा बनने वाले हो, युवराज पद यानी जो है भविष्य में आप राजा बनने वाले हो, अभी कैन यू इमेजिन ही इज गोइंग टू बी द किंग ऑफ द होल वर्ल्ड, एक राजा पूरे दुनिया का राजा बनने वाले हो एक दिन पहले, और एक दिन के बाद में यानी 12 घंटा 14 घंटा हुआ होगा,
12-14 घंटे के बाद में यही व्यक्ति को ऐसा बोला गया, राजा तो छोड़ो, तुम कर रही हकल पट्टी हो रही है, तुमको राजा बाजा तो छोड़ो, अभी तुम यहां से बाहर ही निकल जाओ, यू आर आउट एंड यू हैव टू स्टे इन द फॉरेस्ट, इधर आने का ही नहीं आपको, इधर 14 साल तक आपको फॉरेस्ट में रहना है। कैन यू इमेजिन, अगर आपको रात को जो है प्रभु, अगर आपकी मेंटल स्टेबिलिटी नहीं है तो आप हवा में ड्रीम में घूमते रहोगे, मैं कल राजा बनने वाला हूँ, मेरा ये है, मेरे को ये पोजिशन है, ये है, और सुबह में उठते और आपको बोला जाता है अरे चलो इधर से। आई हैव सीन मेनी पर्सन प्रभु, मैंने ऑफिस के अंदर ऐसे लोग को देखा है कि उनको शाम को बोला जाता है कल तुमको बहुत बड़ी पोस्ट मिलने वाली है, फाइनेंस मैनेजर या सीईओ या सीआईओ या कुछ भी, इतनी बड़ी पोस्ट मिलने वाली है प्रभु, वो घर पे जाने के बाद में पहले से प्लान करने लगता है, कभी मैं इधर घूमने जाने वाला हूँ, मेरे फैमिली मेंबर इतना फीस दूंगा, इतना पार्टी बनाने वाला हूँ, ये वो करने, और सुबह में जब आता है ना प्रभु, फॉरगेट अबाउट दैट पोजिशन, उसके डेस्क के ऊपर एक पिंक स्लिप होती है, यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पिंक स्लिप, पिंक स्लिप यानी कल हकाल पट्टी, मेहरबानी करके ऑफिस में से बाहर निकल जाओ। इमेजिन द शॉक प्रभु, वो शॉक कितना भयानक होता है, और वो शॉक जो है प्रभु जी, आप उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाओगे जल्दी अगर आपके पास स्पिरिचुअल मैच्योरिटी नहीं है। रामचंद्र जी है लॉर्ड राम, ऑफ कोर्स ही इज अ सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड है, लेकिन उन्होंने एक एग्जांपल से बताया कि उसकी मेंटल स्टेबिलिटी इतनी स्ट्रांग थी प्रभु, वो आराम से, वो कौशल्या को कितना सुंदर उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है, कौशल्या मदर कुड नॉट अंडरस्टैंड, तो मदर वो तो सब तैयारी कर रही थी अपने राजा राज्यभिषेक के लिए, तो वही उनको कैसा मैसेज बोलने का कि तेरे को 14 साल का वनवास मिला है, तो क्या किस तरह से उन्होंने सिंपल रीत से जो है माँ को बोला है कि माँ मैं जा रहा हूँ, लेकिन कहाँ जा रहे हो, अभी आप तो तुम्हारा राज्याभिषेक है, देखिए मेरे को जो है पिताजी ने जो है ना अयोध्या का राजा नहीं बोला है, मैंने वन का राजा दिया है, तो मैं वन का राजा बनने के लिए वन में जा रहा हूँ। सी द सिचुएशन प्रभु जी, कितना लाइटली ये व्यक्ति ले लिया, और कितना मैच्योरिटी, कितना स्पिरिचुअल स्टेबिलिटी थी ये व्यक्ति के अंदर, पिंक स्लिप। आपको हमको बोला जाएगा तुम इतनी बड़ी पोजीशन पे है और दूसरे दिन हमको पिंक स्लिप मिलेगा, प्रभु आर वी रेडी, आर वी रेडी प्रभु, इट बिकम्स वेरी डिस्टर्बिंग थिंग, टेक माय वर्ड्स, इट इज सो डिस्टर्बिंग, अनलेस एंड अंटिल आपके कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर मैच्योरिटी नहीं होगी ना, इट बिकम्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू एब्जॉर्ब इट। आई टेल यू वन वेरी गुड एग्जाम्पल, मेरे लाइफ में मैंने देखा एक व्यक्ति के, वन ऑफ आवर डिवोटी, बहुत एक्सपर्ट था पढ़ाई के अंदर, स्पेसिफिकली मैथमेटिक्स के अंदर प्रभु जी, ही वॉज सो एक्सपर्ट इन मैथमेटिक्स, पूरे कॉलेज के अंदर, वहां तक की यूनिवर्सिटी के अंदर भी जो है उसका नाम होता था, एंड एवरी टाइम उसको प्रभु जी 98 और 99 मार्क्स ही मिलता था। अभी उसका जो है वो एग्जाम्स आई यूनिवर्सिटी के अंदर प्रभु, और यूनिवर्सिटी के एग्जाम आई तो ही ऑल्सो एक्टेड इन दैट इन ए वेरी परफेक्ट वे, वो परफेक्ट होने के सब उसके परफेक्ट वे एग्जाम गया, इट वॉज वेरी नॉर्मल। जब भी रिजल्ट आया ना प्रभु, तब रिजल्ट आया तो उसके अंदर उसको 0 मार्क मिला है। कैन यू इमेजिन द पर्सन हु वाज द हाईएस्ट पर्सन इन इन मैथमेटिक्स, मींस उसका 98 के नीचे गया ही नहीं है प्रभु जी, उसका मार्क्स 98 के ऊपर गया, नीचे गया ही नहीं है, उसको 0 मार्क मिला है और वो फेल हुआ है। अभी वो फेल उसके वजह से जो है पूरा उसका एकेडमिक ईयर डिस्टर्ब हो गया। अभी ये व्यक्ति जब 0 मार्क आने के बाद में प्रभु, कैन यू इमेजिन, और एवरीबॉडी वर ओनली आस्किंग हिम ओनली वन थिंग, कितना मार्क मिला, 98 99 98 99, कैन यू इमेजिन, वो आदमी कैसा बोल सकते हैं मेरे को 0 मार्क मिला, एंड इज इट पॉसिबल प्रभु, अगर उसके पास वो व्यक्ति मुझे मिल रहा था कि मैं तो इतना डिस्टर्ब हो गया था, ही वांटेड, ऑफ कोर्स ही वाज नॉट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, कि मैं सुसाइड ही करने वाला हूं, तो सब लोग ने प्रेशर दिया कि नहीं चलो हम रीवैल्यूएट करवा लेते हैं, पेपर चेक करवाते हैं वापस, वो चेकिंग के लिए भेजा गया। एंड डू यू नो व्हाट वाज द प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम वाज अ कंप्यूटर मिस्टेक में उसको 0 मार्क नहीं मिला था प्रभु, उसको 100 out of 100 मिला था, लेकिन 100 में जो है ना वो कंप्यूटर ने 1 निकाल दिया, और 1 निकाल देने के बाद में उसका 0-0 ही आया, एंड ही वाज कंसीडर्ड एज अ फेल, एंड ही गॉट 100 out of 100 marks। Can you imagine the mental stability, प्रभु जी, अगर वो व्यक्ति जो 100 mark लेने वाला आदमी को 0 mark मिलता है, अगर वो उसकी स्थिति, अगर mental stability नहीं है, तो व्यक्ति की क्या स्थिति हो जाती है? ऐसा ही हमारे लाइफ में भी होने वाला है प्रभु। We might be dreaming something very very big, और ऐसा हमारी हालत होगी ना प्रभु, वो ड्रीम जो है ना प्रभु पूरा स्मैश हो जाए, और वो स्मैश होते वक्त जो है प्रभु, अगर हमारी कृष्णा कॉन्शियसनेस की मैच्योरिटी नहीं है ना, तो वो मैच्योरिटी नहीं होने की वजह से वी माइट रियली टेक अ वेरी बिग
बीटिंग फ्रॉम द मटेरियल वर्ल्ड, प्रभु हम पूरा डिस्टर्ब हो जाएंगे, पूरा डिस्टर्ब हो जाएंगे। लेकिन राम का एग्जाम्पल आप देखिए प्रभु जी, क्या लाइफ उसने बताई थी। दिस इज वॉट वी हैव टू कॉन्स्टेंटली लर्न। कृष्णा कॉन्शियसनेस गिव्स दिस प्रभु, कृष्णा कॉन्शियसनेस गिव्स दिस। आपको जो है पूरी तरह से बता सकता है कि इस तरह से तुम जी सकते हो। दिस इज पॉसिबल। और अगर आपने अगर ये नहीं सिखाना कृष्णा कॉन्शियसनेस में, तो प्रभु आगे चल करके आप रबड़ा जाओगे। यू माइट टेक सम रॉन्ग डिसीजन। कितने लोग मैंने देखे डिप्रेशन में चले जाते हैं, कितने लोग जो है देखे प्रभु खोटी आदत पे चले जाते हैं, और कितने लोग ऐसे भी देखे जो लोग ने सुसाइड कर लिया। आई डोंट नो वेदर यू नो इट और नॉट, इन ए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इज अ 28 स्टोरेज बिल्डिंग, और 28 स्टोरेज बिल्डिंग के ऊपर उसका टेरेस जो है ना, वो टेरेस ऊपर का जो 28 स्टोरेज बिल्डिंग का टेरेस है, वो टेरेस पे ना पूरी तरह से नेट लगाया गया है, पूरा नेट लगाया। वो नेट क्यों लगाया मालूम है प्रभु? उसके वजह से कि जब मार्केट के अंदर बहुत डाउनफॉल होता है ना, अभी का बहुत बड़ा डाउनफॉल है, आपको अगर पता नहीं होगा, इफ यू आर इन एकेडमिक, आपको अगर आप इकोनॉमिक चीज आप देखोगे ना, तो जो है पिछले 14-15 दिन से अभी जो चल रहा है उसके अंदर द स्टॉक मार्केट विद इन 15 डेज इट हैज क्रैश्ड बाय समथिंग लाइक 12%। इट इज अ बिग शॉकिंग थिंग प्रभु। ये सब रशिया और यूक्रेन की लड़ाई की वजह से इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया है, तेल का भाव बढ़ जाने की वजह से मार्केट हैज क्रैश्ड। अभी जिन लोगों को बहुत बड़ा नुकसान होता है ना प्रभु जी, वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है, वो एब्जॉर्ब नहीं करने की वजह से जो है इतना डिप्रेशन में चला जाता है, इतना जो है प्रभु जी इतना खोटी आदत में जाता है। लेकिन द वर्स्ट थिंग दैट हैपेंस ना प्रभु, वो सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज में क्या करता है, एकदम टॉप फ्लोर पे चला जाता है, और टॉप फ्लोर पे जाने के बाद में खाली एक ही काम करता है, उधर से कूदने का और सुसाइड करने का। और उसकी वजह से पूरे स्टॉक एक्सचेंज का टेरिस जो है 28th फ्लोर का ऊपर का टेरिस जो है ना प्रभु, उधर हम सब ये मैनेजमेंट ने स्टॉक एक्सचेंज ने पूरी जगह पे नेट डाला है जिससे कोई सुसाइड ना करे। कैन यू इमेजिन प्रभु जी क्या स्थिति है भौतिक दुनिया में? इधर बहुत बड़ी बड़ी ऊंची बातें करते हैं, लेकिन हमारा मेंटल सिचुएशन इतना वीक है प्रभु कि हम फट करके झटका लार करके पूरा वर्स्ट का वर्स्ट थिंग के अंदर चला जाते हैं। वी आर रेडी टू लीव आवर बॉडी ओनली। दिस इज व्हाट हैपेंस। The second example which I could understand is about Gajendra Prabhu. अब Gajendra में देखोगे ना, Gajendra का अगर आप श्रीमद् भागवतम में पढ़ोगे ना, तो Gajendra अपने पूरी फैमिली, उसकी वाइफ्स, co-wives, उसके बच्चे सबको लेकर के घूमने गया। और वो घूमने जाने में जो है प्रभु एक बहुत अच्छा लेक मिला, तो वो लेक के अंदर उसको लगा कि ये इतना सुंदर ठंडा लेक है, तो वो अंदर गया और सबको पानी लेकर के, he was putting water to each and every of his wife and children to make them happy. और एकदम पूरा एटमॉस्फेयर उसका ऐसा था कि बस अभी तो मजा करना है, वी वांट टू हैव अ लेजर लाइफ। और उसमें उसको क्रोकोडाइल ने उसको झपट लिया। कैन यू इमेजिन प्रभु जी, जो आदमी के मेंटल सिचुएशन ही ऐसा है कि अभी आप घूमने जाना है, मजा करना है, आई एम ऑन द कंप्लीटली लेजर रूम, और उसमें कोई आपको चकड़ लेता है और आपको पकड़ लेता है। प्रभु उस समय जो है आपकी मेंटल सिचुएशन अगर बराबर नहीं है, यू विल बी कंप्लीटली इन अ डिप्रेशन केस, completely in a depression. That's why we emphasize more and more to have a daily sadhana, why we wanted to tell everybody to have a very serious consistency. Daily sadhana and consistency keeps you always a mental situation completely alert, on guard, completely serious and cautious. Kabhi bhi kuch ho sakta hai yahan pe. Gajendra ka dekho prabhu ji, aur fir वो क्रोकोडाइल ने उसको पकड़ करके प्रभु वो बहुत 100 साल के 1000 आई डोंट नो स्क्रिप्चर्स आर सेइंग इट्स अ लॉन्ग बैटल। और साथ में गजेंद्र को समझ में आ गया कि नोबडी कैन टेक केयर ऑफ मी, ऑल हिज फैमिली मेंबर्स दे आर क्राइंग बट दे कुड नॉट डू एनीथिंग। दिस इज व्हाट हैपेंस प्रभु जी, अगर आपका मेंटल सिचुएशन नहीं है। बट बिकॉज ही हैड अ वेरी पायस लाइफ, प्रीवियस लाइफ वॉज वेरी पायस, ही कुड रिमेंबर कृष्णा एंड गॉट द बेनिफिट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। I have seen in my life also, Prabhuji, मेरे खास रिलेटिव, वेरी वेरी क्लोज रिलेटिव प्रभु, वो घूमने गए आउट ऑफ द कंट्री, कम कोई कंट्री में घूमने गए, और वहां पे घूमने जाने के लिए जो है, वहां जाने के बाद में they decided to have a boating, बोट में कुछ किधर घूमने का था प्रभु जी, so all of them went and they were completely in a leisure mood, बस अभी घूमना है, मजा करना है, ये करना है, वो करना है। अभी उसकी वाइफ, वो और उसके बच्चे सब लोग वो बोट के अंदर बैठे। अभी बोट के अंदर जाने के बाद में somehow or other बोट कुछ क्वालिटी अच्छी नहीं थी कि क्या था पता नहीं, वो बोट गॉट स्टार्टेड शेकिंग,
और जैसा शेकिंग होने लगे तो उनकी माताजी जो था थोड़ा हैवी वेट था उनका, वो शी कुड नॉट कीप अ बैलेंस, और बैलेंस नहीं होने की वजह से वो बोट घूमने लगी और बोट घूमने शेक होने लगी, वो गिर गई, पानी में गिर गई। बट बिकॉज शी वॉज नॉट नोइंग टू स्विम वो पूरी अंदर ही चली गई, और पूरी अंदर चली जाने के बाद में बिकॉज शी कुड नॉट टेक एनी प्रॉपर ब्रेथ शी लेफ्ट हर बॉडी ओवर देयर इटसेल्फ। कैन यू इमेजिन प्रभु जी, अभी हम मजा करने गए हैं, हम मजा करने गए और हम मजा करने जाते हैं, और प्रभु जी आपका जो है आप शॉकिंग थिंग योर वाइफ इज डेड इन फ्रंट ऑफ यू एंड नॉट इन योर हाउस इन दैट लेजर प्लेस, इट इज सो डिस्टर्बिंग प्रभु, यू कैनॉट एब्जॉर्ब दैट शॉक, यू कैनॉट एब्जॉर्ब इट। दिस इज वॉट हैपन्स प्रभु जी इन योर इन अवर लाइफ प्रभु, कि अगर आपने जो है ये चीज आपने बराबर लाइफ के अंदर देखा नहीं, और आपने अगर मैच्योरिटी आपकी कृष्ण कॉन्शियसनेस के अंदर नहीं होगी प्रभु, आपकी लाइफ मिजरेबल हो जाएगी। I have seen it, this family could not absorb that shock only. घूमने गए थे और क्या करके आए, उनको बॉडी भी जो है इंडिया में लाने के लिए इतनी कॉम्प्लिकेशन हो गई थी, इतना परमिशन लेना पड़ा, ये वो करके बॉडी इधर लाया और उसको फाइनल रेट दे वांटेड टू डू इट इन इंडिया। प्रभु दैट्स व्हाई वी नीड अ वेरी वेरी कृष्णा कॉन्शियस सिक्योरिटी। I have seen Radhanath Maharaj used to give so much emphasis on this topic, is about the best example is in 1920 or 1912 एक केस वो है टाइटैनिक का, आपको पता होगा टाइटैनिक शिप जो है वो इंग्लैंड से न्यूयॉर्क जा रही थी, यानी वो लोग ने ऐसी शिप बनाई कि वो शिप ऐसा बोलता है कि दैट शिप इज अनसिंकेबल, ऐसा शिप बनाया था प्रभु जी कि वो शिप के अंदर वो कभी भी सिंक नहीं होने वाली है, इस तरह से they used to advertising in that way। और उसका फर्स्ट वोएज, उसका फर्स्ट ट्रिप जो था ना इंग्लैंड से जो है यूएस के लिए जो पहला ट्रिप था ना, उसके अंदर एवरी बिग पर्सन, उनको लगा कि इट विल बी अ वेरी बिग रिस्पेक्टेबल थिंग फॉर अस टू गो इन दैट फर्स्ट ट्रिप इन टाइटैनिक। और आपको पता है क्या हुआ प्रभु, वो हवा में उड़ रहे थे, वो ऐसा लेजर कर रहे थे, दे वर डूइंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ नॉनसेंसिकल थिंग्स, ऑल ब्रेकिंग ऑल द रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, और घूम रहे थे, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया, और बीच में जो है प्रभु वो जो है प्रभु कोई पत्थर जो बर्फ के साथ में वो टक्कर गया, और जो है प्रभु इट गॉट स्ट्रक अप। इतना अनसिंकेबल शिप होने के बाद में भी फर्स्ट वोएज के अंदर ही वो शिप सिंक हो गई, और मेजॉरिटी लोग वहां पे जो है प्रभु दे हैव टू लीव देयर बॉडी फर्स्ट वोएज में। कोई लोगों को पता नहीं था कि ये हो सकता है। दिस इज वॉट हैपन्स प्रभु जी इफ यू आर मेंटली नॉट प्रिपेयर। और वो लोग को हवा में उड़ रहे थे, वो घूमने गए थे, सब मजा करने गए थे प्रभु, और वो मजा की क्या हालत हो गई प्रभु, मोस्ट ऑफ द पीपल दे लेफ्ट देयर बॉडी इन टाइटैनिक, वो दरिए के अंदर ही जो है इतनी ठंडा पानी था उसी के अंदर फंस गए, दे लेफ्ट देयर बॉडी। दिस इज वॉट हैपन्स इन अवर कृष्ण कॉन्शियसनेस प्रभु इफ यू आर नॉट मैच्योर। बहुत सीरियस मैच्योरिटी चाहिए कृष्ण कॉन्शियसनेस के अंदर। अगर आपके पास कृष्ण कॉन्शियसनेस जो है अच्छी तरह से मैच्योरिटी रहेगी ना प्रभु, तो आप जो है ना प्रभु उसको एब्जॉर्ब कर पाओगे, वरना आप एब्जॉर्ब नहीं कर पाओगे प्रभु। इसलिए जो है प्रभु मैंने कितने फैमिलीज के अंदर भी देखा है, फैमिलीज के अंदर जो है आपके साथ में बहुत आपका एकदम इंटीमेट फैमिली मेंबर होगा, आपके साथ बात करता है, आपके साथ में इतना इंटीमेट रिलेशनशिप है, और उसको एक झटके के अंदर हार्ट अटैक आता है, और विद इन टू मिनट्स ही लीव्स हिज बॉडी। प्रभु इफ यू डोंट हैव स्पिरिचुअल मैच्योरिटी यू विल बी डेफिनेटली फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू एब्जॉर्ब इट। प्रभु कुछ पता नहीं है, हमारे लाइफ में भी हो सकता है। बी मेंटली प्रिपेयर्ड, बी वेरी सीरियस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से कृष्णा कॉन्शियसनेस इज द अटमोस्ट रिक्वायर्ड थिंग फॉर ईच एंड एवरी पर्सन इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। इट कीप्स यू स्टेबिलिटी, इट गिव्स यू कंप्लीट जो है ना सुटे, आपको जो है ना मेंटल स्टेबिलिटी रखेगा ना, तो उसकी वजह से आप खोटे डिसीजन नहीं ले लोगे। ऐसा कोई झटका आपके लाइफ में आता है, आपके साथ में जो व्यक्ति था 10 मिनट के अंदर वो चला गया। आई सीन इन माई नेबर, आज से 3 साल पहले, वी वर नॉट हैविंग गुड मीन्स इतना अच्छा रिलेशनशिप नहीं था, उसका छोटा बच्चा 12 साल का बच्चा मेरे बैल मार रहा है मुझे, और बोला पप्पा बहुत खराब हालत में, जरा आके देख के जाओ। मैं बाजू में जा रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ तो उसके पिताजी गिरे हुए हैं। क्या हो गया, बस ऐसे ही गिर गए, और जैसा गिर गया यंग पर्सन अराउंड 35 to 40 years में था, उन्होंने डॉक्टरों को बुलाओ, डॉक्टरों को बुलाओ। अभी हमारे डिवोटीज को मैंने जो है वी हैव मेनी डॉक्टर्स, तो मैंने डिवोटी को डॉक्टर को है कार्डियोलॉजिस्ट था, उसको बुलाया, वो गोपाल गार्डन में जो है एक सेमिनार अटेंड कर रहा था, बोला प्रभु जी तो आप जल्दी आ जाओ। जैसा जो प्रभु जी जल्दी
मैंने बुलाया था तो बेचारा आ गया और उसने जैसा वो कार्डियोलॉजिस्ट ने जो है प्रभु चेक किया तो मेरे को बाजू में कान में बोल दिया कि इज नो मोर। मैं तो क्या बोल रहा है यार, मैं कैसे इनको फैमिली मेंबर को बोलूंगा इज नो मोर राइट नाउ, हाउ कैन आई टेल हिम। प्रभु आपको बोलना पड़ेगा। मैं तो क्यों? क्योंकि अगर आप नहीं बोलेंगे ना तो मेरा हालत मेरी मेरा मेरा रेपुटेशन खराब हो जाएगा, क्योंकि वो हॉस्पिटल में जाएगा और हॉस्पिटल में बोलेगा कि इज नो मोर ना, तो बोलेगा ये डॉक्टर ने मेरा काम बराबर नहीं किया इसलिए वो चला गया। यू हैव टू टेल हिम राइट नाउ ओनली दैट इज नो मोर, सो दैट माय इमेज डजंट गो बैड। प्रभु जी आई वाज शॉक्ड, प्रभु जी दिस इज द इंसिडेंट व्हिच आई विल नेवर फॉरगेट इन माय लाइफ। उनकी वाइफ को और उनका यंग बच्चा 10-12 साल का था और उसको मैंने बाहर मेरे रूम मेरे फ्लैट में बुला करके उनको बोलना पड़ा मुझे, प्रभु माता जी इज नो मोर। वहां पे उसकी वाइफ और उनका लड़का ऐसा ही वहां पे गिर गया कि क्या बोल रहा है। और उस दिन गुड़ी पाड़वा का दिन था, आई स्टिल रिमेम्बर। और वो लोग सुबह में जो है ना प्रभु, दे वर गोइंग टू गो टू द शोरूम टू बाय अ कार, गाड़ी नया खरीदने के लिए सुबह में जाने वाले थे। और जो है क्या हालत हुई है देखो प्रभु, वो कार एक उसका उसके लिए उसके फैमिली मेंबर उसकी वाइफ ने मुझे बोला फिर बाद में आफ्टर 1 month or something, she told me, हम लोग सुबह में गाड़ी लेने जाने वाले थे और लड़के के लिए जो है वो आईफोन के सब कुछ मोबाइल लेने जाने वाले। See the shocking thing, प्रभु, unless and until you are not matured, आपको spiritual stability नहीं है आपकी लाइफ के अंदर, प्रभु ऐसा इंसिडेंट आपको फट करके डिप्रेशन में लेके जाता है और लाइफ लॉन्ग आपका डिप्रेशन रहेगा। That's why we need a very serious Krishna consciousness. I can tell you one thing, प्रभु, Krishna consciousness makes you sober. It makes you sober. आपको समझ में आ जाता है ये दुनिया में क्या है, ये आपको mental stability देता है, mental equilibrium देता है, आपको समझ में आ जाता है this is danger at every step, यहाँ पे कुछ बोल नहीं सकते, कभी भी कुछ हो सकेगा, कभी भी कुछ हो सकता है। इसलिए जो है प्रभु, इसकी वजह से जो है प्रभु, एक व्यक्ति जो है ना spiritual Krishna conscious होगा ना तो वो जो है ना बहुत अलर्ट रहेगा, ऑन गार्ड रहेगा, बहुत कॉशियस रहेगा, बराबर रहेगा, वो कभी भी खींचे नहीं जाएगा। एंड फॉर दैट प्रभु वी नीड ए वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग साधना। कभी भी कुछ होगा प्रभु, जब भी होगा ना, अगर आपकी साधना आप देखना प्रभु, आप सुबह के टाइम पे आपने जपा बराबर किया है, अटेंटिवली जपा किया है, भक्तों के संग में किया है और कंसिस्टेंसी रखा है, आप देखना पूरा दिन आपका कितना अच्छा जाता है। उस समय कुछ भी झटका भी लगेगा ना आपकी लाइफ के अंदर, प्रभु आप एब्जॉर्ब कर पाओगे। क्यों? क्योंकि कृष्णा फिक्स्ड अप हो गया आपके हृदय में और आपको कृष्णा कॉन्शियस फिलोसॉफी जो है ना भक्तों के संग के अंदर कॉन्स्टेंटली आप सुनते रहते हो ना, उसके वजह से जब भी कुछ इंसिडेंट बनेगा ना तो आपको समझ में आएगा ये भौतिक दुनिया ही ऐसा है, आई विल एक्सेप्ट इट। लेकिन अगर आपका कॉन्शियसनेस बराबर नहीं है, आपकी साधना बराबर नहीं है, आपका एसोसिएशन बराबर नहीं है, प्रभु आपको वो झटका आने के बाद में ये विचार नहीं आएगा, आपको लगता है कृष्णा ये मेरे लाइफ में ऐसा करता है, दूसरे के लाइफ में अच्छा करता है, कृष्णा आई डोंट वांट दिस इज ऑल नॉनसेंस, ऐसा करके आपको डिजेक्शन आएगा, आप कृष्णा कॉन्शियसनेस से भी दले चले जाओगे, आपकी लाइफ में डिप्रेशन आ जाएगा, आप खोटी आदत में चले जाओगे और फाइनली प्रभु आपका ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ यू विल बी वेस्टिंग इट आउट। That's why we need a very serious and matured Krishna consciousness. That's why I always tell Prabhuji, there is no other option other than accepting Krishna consciousness seriously. ये भौतिक दुनिया में अच्छी तरह से रहने के लिए भी जो है Krishna consciousness बहुत seriously लेना। और ऐसा मत समझना प्रभु ये problem मेरे life में ही आता है और आपके life में नहीं आने वाला, सबके life में problem आने वाला है। I told you so many times प्रभु that rule that this incident has brought me in my into Krishna consciousness. I was not so serious in my spiritual life, Prabhu. Lekin Krishna ne ye incident mere life mein banaya. Jab aaj se 1989 ke andar Prabhu, there was a fire that took place at the Bombay Stock Exchange. Aapko pata hoga. Ek wo fire ki wajah se 7 days Bombay Stock Exchange band raha hai. And that fire jo hai Prabhu, hamare jo meri office mein hua hai. 821 नंबर के ऑफिस 8th floor पे मेरी ऑफिस में फायर हुआ है। और प्रभु वो क्यों हुआ कि हमारे बाजू में जो है सब स्टेशन था 8th floor का और उसके अंदर शॉर्ट सर्किट हुई और उस दिन पूरा स्टॉक एक्शन बंद था और स्टॉक एक्शन बंद होने की वजह से जो है पूरा जो फायर जो था ना प्रभु, वो आग धीरे धीरे आने के बाद में हमारी ऑफिस में आ गई और कोई नहीं होने की वजह से प्रभु जी 3 घंटे के अंदर पूरा ऑफिस जल गया, पूरा ऑफिस जल गया। करोड़ों रुपए उस समय कोई डिमेंट डिमेंट नहीं था, सब फिजिकल शेयर्स थे प्रभु। 3 घंटे के अंदर ही जो है प्रभु सब शेयर सब जल गए, करोड़ों रुपए के शेयर सब जल गए।
Now my partners, Prabhu, they were very rich person, the Bombay Stock Exchange. लेकिन ये दुनिया इतनी इतनी हल्की होती है ना, जब देखते हैं लोग के ये फंस गया है तो सब लोग जो है ना परिसर कोई उसको मदद करने नहीं चाहते, वो अपने बोले तो इसके पास इतना लेने का पहला ले लो ना, ये तो मर गया तो अपने को भी मार के जाएगा, सब पैसा देने का छोड़ो उनके पास लेने आ गए। एंड आई कैन टेल यू प्रभु, माई पार्टनर्स वेयर कंसिडर्स अ करोड़पति पीपल, विद इन दैट 3 आवर्स दे वेर इन रोडपति, रास्ते पे आ गए 3 घंटे में, प्रभु जी 3 घंटे के अंदर वो करोड़पति में से रोडपति हो गए, बैगिंग फ्रॉम एवरीबडी, थोड़ा पैसा दो, ये सब लोग को फुलफिल कैसा करेंगे प्रॉमिस, ये सब हमारा शेयर जल गए। प्रभु उस समय मेरे को अक्कल आ गई, मेरे को ऐसा लाइफ नहीं जीने का, इनको हो सकता है तो मेरा भी लाइफ ऐसा आ सकता है, आई डोंट वॉन्ट टू स्टे दिस टाइप ऑफ ए लाइफ भाई, मेरे को बहुत करोड़पति अभी नहीं बनना है, मेरे समझ में आ गया दुनिया क्या है, कभी इसको हो गया तो मुझे भी कुछ हो सकता है। देन आई टुक कृष्णा कॉन्शियसनेस सीरियसली, तो प्रभु मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, डोंट टेक इट कैजुअली दिस प्लेस, ये जगह बहुत भयानक है, और ये जगह के अंदर अगर वो कृष्ण भक्ति बराबर स्टेबल रखना है ना, तो यू हैव टू हैव वेरी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन, यू हैव टू हैव ए वेरी स्ट्रॉन्ग साधना, यू हैव टू रीड द स्क्रिप्चर वेरी सीरियसली, अंडरस्टैंड कृष्ण कॉन्शियस फिलोसॉफी, यू हैव टू बी ऑन गार्ड, यू हैव टू बी अलर्ट एंड यू हैव टू बी कॉशियस फॉर द ऑल द टाइम, वरना एक जगह पे भी आपको मार लगेगा ना प्रभु, और आपकी कॉन्शियसनेस बराबर नहीं होगी ना, एक मिस्टेक कर लोगे प्रभु आप पूरी लाइफ पछताओगे, इस दुनिया में यही हो रहा है, एक मिस्टेक कर लेते हो प्रभु, अब आई डोंट हैव टू से बट एवरीबडी हैज विल बी नोइंग व्हाट आई एम सेइंग, प्रभु हमने ऐसी भूल कर ली है ना हमारे लाइफ के अंदर, आज के दिन हम अंदर भी नहीं रख सकते और बाहर भी नहीं बोल सकते और घूटते रहते हैं, क्यों? क्योंकि हमारी मेंटल कॉन्शियसनेस परफेक्ट नहीं थी और हमने खोटे डिसीजन ले लिए, और वो खोटे डिसीजन लेने के बाद में अभी भी हम जिंदगी के अंदर पछता रहे। प्रभु वी नीड सीरियसली कृष्ण कॉन्शियसनेस, वी नीड इट, देयर इज नो अदर ऑप्शन, ये हम लोग रोज जपा करते हैं ना प्रभु, आपको आप देखना प्रभु, आई डोंट हैव टू से बट आई कैन टेल यू, कल मैं कितने लोगों को मैं मिल रहा हूँ प्रभु जी, एवरीबडी इज टेलिंग ओनली वन थिंग, प्रभु हमारी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस बहुत स्टेबल हो जाने की वजह से इरिस्पेक्टिव व्हाट एवर इज द एक्सटर्नल सिचुएशन हम अंदर से ब्लिसफुल रहने लगे, इट्स अ बिगेस्ट थिंग प्रभु, ये चीज का कोई सॉल्यूशन नहीं, आज दुनिया के अंदर उसके पास जो आपको ये मिल रहा है ना उसका कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं भौतिक दुनिया में, और ये कृष्णा कॉन्शियसनेस सबको दे रहा है, हाउ मच वी हैव टू बी सो ग्रेटफुल प्रभु। तो टुडे प्रभु जी जब हम अभी हमें हमारा जब 32 माला करेंगे ना प्रभु, वी विल रियली प्रे टू कृष्णा, सीरियसली वी विल प्रे टू कृष्णा दैट कृष्णा प्लीज हेल्प मी टू मेंटेन माय मेंटल इक्विलिब्रियम, I don't want to get carried away. ये दुनिया के अंदर मैं किधर carried away ना हो जाऊं, मेरे को mental equilibrium का मेरे को शक्ति देना, और मैं कहां पर भी कोई चीज चीपली ना ले लूं तुमको कृष्णा कॉन्शियसनेस, और कुछ भी मेरे लाइफ के अंदर आवे प्रभु कि ये जगह मुझे एकदम कन्विक्शन दे दे, ये जगह ही मिजरेबल है और ये टेम्पररी है, मुझे carried away नहीं होना है, यहाँ पर मुझे carried away नहीं होना है, मेरी mental equilibrium एकदम perfectly देना कृष्णा, और मेरा फोकस कहां पर भी डाइवर्ट मत करना, इतनी हल्की जगह पे क्या करके रह गए भैया, ठीक है पनिशमेंट मिला है, पनिशमेंट बराबर कर लेंगे, लेकिन एक पनिशमेंट पूरा हो जाने के बाद में कंटिन्यू नहीं करना है, विद दैट कॉन्शियसनेस हमको ये कृष्णा से इतना याचना करना है, कृष्णा मेरा फोकस हमेशा एक ही रहना चाहिए, किसी माँ के पेट में भी नहीं जाना है, बहुत मार खा लिया इधर, आई वॉन्ट गोलोक वृंदावन इन दिस लाइफ टाइम, इट्स मुझे निकल जाना ही, बहुत मार खाया प्रभु जी, कभी भी कुछ खाया प्रभु जी, थोड़ा अंदाजा लगाओ, मैं हमेशा एक ही विचार करता हूँ, कोई भी आप आराम से बैठे हो, एकदम पॉश जगह पे बैठे हो, अच्छी तरह से आपको सब रिस्पेक्ट दे रहे हैं, सब आपको एडोर कर रहा है, लेकिन आप जिधर बैठे हो ना उसके आपके सिर के ऊपर एक लटकता तलवार है, और लटकता तलवार ऐसा ऐसा घूमता रहता है, ऐसा ऐसा घूमता रहता है, आप उसको देखने के बाद में सब सब एडोरेशन करते हैं, सब चीज बराबर है, आप खुश रहोगे क्या? कैन यू बी हैप्पी? प्रभु एग्जैक्टली यही स्थिति हमारी यहाँ पे, एक मैच्योर डिवोटी होता है ना वो सुपर बन जाता है, वो कैरिड अवे नहीं होता है, उसको दिखावा ये वो सब बोलते हैं, उसको मालूम है ये मुझे मालूम है इधर क्या है, कभी भी कुछ गड़बड़ हो सकेगा, लेट मी बी वेरी सुपर एंड मैच्योर एंड कीप अ मेंटल स्टेबिलिटी एंड मेंटल इक्विलिब्रियम एंड बी इन एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज and keep a very strong sadhana, strong consistency,
where he focused Krishna conscious life and always be alert, on guard, and completely serious. And हमेशा cautious रहूंगा. ये अगर रहेगा ना प्रभु, तभी आप ये भौतिक दुनिया में स्टेबल रहोगे, वरना आप स्टेबल नहीं रह पाओगे. This is so much required. So प्रभु, you pray for me also. आप मेरे लिए प्रार्थना कर रहा प्रभु, कुछ गड़बड़ ना हो जाए. पहले बहुत गड़बड़ किया है कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने के पहले, और अभी जो है ना प्रभु, ऐसा ही जब चीज आवे और हमारे पास अगर कृष्णा कॉन्शियसनेस का फोकस नहीं होगा ना, तो कुछ भूल हो जाएगी, तो वापिस घूटते रहेंगे प्रभु. तो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट हर एक को है, प्रभु मेरे लिए प्रार्थना करना, आई रिमेन वेरी फोकस इन माई स्पिरिचुअल लाइफ, एंड आई विल ऑल्सो प्रे फॉर एवरीबडी. मुझे प्रभु जी हमेशा, मुझे नाउ आई एम बिकमिंग वेरी मच अटैच टू ऑल ऑफ यू टू सम एक्सटेंट. आई ऑल्सो वॉन्ट टू सी हम सब यहाँ से निकल जा रहे प्रभु. क्या इधर रहने जैसी जगह है, थोड़ा इट इज नॉट समथिंग हम सेंटिमेंटली बोल रहे हैं प्रभु जी, विथ अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग एंड विथ प्रॉपर कन्विक्शन यू आर स्पीकिंग टू एवरीबडी. ये जगह नहीं है रहने जैसी प्रभु, ये जगह नहीं है. दिस प्लेस इज नॉट मेंट फॉर अस प्रभु. एक कन्विक्शन आ जाना चाहिए हमको जीवन में, मार खा लिया दुनिया में सब लोग यहाँ पे. आई एम वेरी क्लियर प्रभु, थोड़ा भले दो मिनट जा रहे, कौन यहाँ पे कह सकता है प्रभु जी आई एम हैप्पी, कौन कह सकता है? अरे सब चीज होने के बाद में भी दुखी हम लोग यहाँ पे, और फिर भी हमको इधर रहना है प्रभु. वी आर फूल्स नाउ, कितने लाइफ की रियालिटी सामने दिखती है. दैट्स व्हाई सीरियस और मैच्योर डिवोटी उसकी लाइफ के अंदर एक कन्विक्शन आती है, कृष्णा मार खा लिया, मार खा लिया कृष्णा, देख लिया जो एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी की कीमत क्या है मुझे समझ में आ गई. नाउ आई वॉन्ट यू एंड ओनली यू नाउ कृष्णा, आई वॉन्ट यू नाउ, आई डोंट वॉन्ट टू टेक एनी चांसेस. This consciousness, we have to keep it in our life and maintain our Krishna consciousness. Prabhu, please, please remember one thing. Don't get carried away. ऐसा मत समझना प्रभु कि आपको ऐसा लगे करो ये तो सब तकलीफ ही है, तो कुछ करने का ही नहीं. अरे nonsense. मजाक मस्ती करने के लिए भागे थे ना, शादी क्यों किया, तभी तो बैठ गए थे ना, अभी भाग रहे हो क्या, रगड़ो अभी. लेकिन एक चीज होगा प्रभु, एक बार मैंने राधा रत्न को बोला, महाराज भूल हो गया, अभी थोड़ा माफ कर लेना चाहिए ना, अभी नहीं करना है ये सब कितना. लेकिन नहीं, ये सब करने की वजह से एक चीज बहुत होगा तुमको, अच्छा नहीं तो क्या होगा, ठीक है, एक चीज तुम रगड़ते रहोगे ना, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी करते जाओगे, रगड़ते रहोगे और कृष्णा कॉन्शियसनेस को बराबर फोकस रखते रहोगे ना, एक चीज होगा और वो चीज ये होगा, तुम रगड़ते रगड़ते तुम्हारा कन्विक्शन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, तुम्हारा रियलाइजेशन इट बिकम्स लाइक ए हार्ड रॉक, तुम्हारे लाइफ के अंदर एक रॉक की तरह हो जाएगा. एक पत्थर पे जो है ना लकीर करते हो ना प्रभु, पत्थर पे लकीर बनाते हो ना, अगर कुछ पत्थर पे आपने कुछ भी जो है लकीर की तरफ बनाया होता है, वो कितना भी कुछ भी करो वो लकीर निकलेगा नहीं. उसी हिसाब से तुम्हारे लाइफ के अंदर ऐसे तुमको किक लगेगी रिस्पॉन्सिबिलिटी करते करते करते, क्योंकि कृष्णा को आपने फोकस रखा है, उसके वजह से तुम्हारे लाइफ के अंदर ऐसा कन्विक्शन और इतना स्ट्रांग रियलाइजेशन आ जाएगा, तुमको समझ में आ जाएगा चाहिए तो अभी सिर्फ कृष्णा ही चाहिए, नहीं तो कुछ नहीं चाहिए. एवरीथिंग इज नॉनसेंस, एवरीथिंग इज वेस्ट ऑफ टाइम. आई वॉन्ट ओनली कृष्णा एंड ओनली कृष्णा, ना बहुत हो गया है दुनिया. ये सब कितना प्रैक्टिकल है प्रभु, इज इट नॉट, कितना प्रैक्टिकल है. कौन आदमी ऐसा कह सकता है प्रभु ये मेरे में तो नहीं होने वाला है, मेरी लाइफ में तो होने ही वाला नहीं है. अरे वो मूर्ख है. वो मूर्ख आदमी है. He's a fool. उसको समझ में लाना चाहिए, अरे भाई ठिकाने रहे, कॉशियस रहे. कभी भी कुछ हो जाएगा. कभी भी कुछ हो जाएगा. आई एम जस्ट वॉचिंग सो मेनी डिवोटीज, हम लोग मैसेज भेजते हैं, मेरा बच्चे का बीमारी है, हमारा वो भारती माता जी बोलते हैं उनका हस्बैंड का जो है ऑपरेशन. मैं हमेशा विचार करूँ क्या है यार, अच्छा उनको एक हफ्ते पहले पता था उसको जब ऑपरेशन, वो अच्छा ऐसा कुछ होने वाला है. एक्सेप्ट करो भाई, एक्सेप्ट करो, कभी भी कुछ हो जाता है. आई हैव सीन मेनी पीपल प्रभु जी एकदम हट्टे गट्टे थे और गए हॉस्पिटल के अंदर, सीधा हॉस्पिटल में बोला प्रभु तुमको कैंसर है और इतना स्प्रेड आउट हो गया कि 3 महीने के बाद में तुम जीने वाले नहीं है, देयर इज नो अदर ऑप्शन. इट इज शॉकिंग थिंग, रियली शॉकिंग. एंड इफ यू हैव अ वेरी कृष्णा कॉन्शियस फिलोसॉफी, वेरी मच फोकस, स्ट्रॉन्ग साधना, प्रभु यू विल बी एबल टू एब्सॉर्ब इट, अदर यू नॉट बी एबल टू एब्सॉर्ब. तो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है प्रभु, टेक इट सीरियसली, देयर इज नो अदर ऑप्शन. No other option other than Krishna consciousness. With that consciousness, Prabhu, hum aaj jab acha.